गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज़ भूपेन सेन। आई एम फ्रॉम डायनामिक कोचिंग इंस्टीट्यूट सागर, मध्य प्रदेश। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंटी ट्रांसपिरेशन। हम लोगों का जो टॉपिक है एंटी ट्रांसपिरेशन, जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये लेक्चर हमारा चल रहा था, कुछ हम लोगों ने पढ़ भी लिया था, जैसे ड्राईलैंड के अंतर्गत जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। इंटरनेशनल के अंतर्गत कौन कौन से डे सेलिब्रेशन किए जाते हैं, ठीक है, वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जो एंटी ट्रांसपिरेशन होते हैं। तो एंटी ट्रांसपिरेशन क्या होते हैं, जैसे आप लोग सभी जानते हो कि जो एंटी ट्रांसपिरेशन होता है, तो एंटी जो ट्रांसपिरेशन रहते हैं, ये क्या करते हैं कि जो लीफ रहता है पर्टिकुलर, जैसे वन सेकंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे क्या रहेगा, पर्टिकुलर लीफ रहता है तो लीफ की सरफेस पे क्या रहेगा मिलता है, जैसे जो ट्रांसपिरेशन रहता है जिस इस पर क्या रहते हैं, जो लीफ रहेगा लीफ पे क्या रहते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा रहते हैं। अब इस स्टोमेटा को क्या को मिलता है, इसे क्लोज करने के लिए, ठीक है। पर्टिकुलर स्टोमेटा जिससे क्लोज हो जाएंगे तो वहाँ से क्या होगा, जो ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम लोग एंटी ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे, तो एंटी ट्रांसपिरेशन का पर्टिकुलर उपयोग किया जाएगा। तो ध्यान रखना, जो एंटी ट्रांसपिरेशन होता है, ये क्या होता है, जो ट्रांसपिरेशन होता है तो ट्रांसपिरेशन को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, एंटी ट्रांसपिरेशन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होती है, प्रॉब्लम कैसे होगा, मुख्य रूप से जहाँ पे ड्रॉट कंडीशन अप्लाई होती है ना, ड्रॉट कंडीशन की मतलब ड्रॉट कंडीशन को पूरी तरीके से एकदम हटाने के लिए वहाँ पे जो उपयोग किया जाता है, एंटी ट्रांसपिरेशन का उपयोग किया जाएगा, जहाँ पे पानी की कमी होती है पर्टिकुलर, ठीक है। अब देखो क्या बोला मिलता है, कि एनी मटेरियल अप्लाई टू द प्लांट फॉर द पर्पस ऑफ द रिटार्डिंग ट्रांसपिरेशन, ठीक है। जो ट्रांसपिरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन का क्या होगा मिलता है, कि कम करने के लिए मेन इसका जो पर्पस होता है, पर्पस क्या होगा कि जो ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन को एकदम क्या करना, रिटार्डिंग कर देना, मतलब उसको कम करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे ट्रांसपिरेशन की, हम बात करेंगे जो ट्रांसपिरेशन होगा वो कितने टाइप से होता मिलता है, कि फोर टाइप से होते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो कि आपके सामने जो इमेज दिख रहा है, इमेज क्या बता रहा है मिलता है, कैसे स्टोमेटा का बता रहा है कि जो स्टोमेटा रहते हैं किस शेप में होते हैं। तो आप लोगों को पता भी है कि स्टोमेटा जो होते हैं किस शेप में होते हैं, किडनी शेप में होते हैं या तो बीन शेप में होते हैं। तो आप देख सकते हो कि जो किडनी शेप होता है तो किडनी शेप में रहते हैं या तो किस शेप में रहते मिलते हैं, किससे बीन शेप में रहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टोमेटा का जो शेप रहता है वो शेप कैसे रहता है, तो ध्यान रखना स्टोमेटा का जो शेप रहता है वो कौन सा रहता है, किडनी शेप रहता है तो बीन शेप रहता है। अच्छा, आप लोग बताओ कि हम बात करते हैं पर्टिकुलर कि लीप की हम बात करेंगे, तो लीप पे जो स्टोमेटा पाए जाएंगे सबसे ज़्यादा अपर सरफेस पे पाए जाएंगे, लोअर सरफेस पे पाए जाएंगे। तो आप सभी लोग ध्यान रखना है कि जो स्टोमेटा रहते हैं लीप की, जो लोअर सरफेस रहता है, लोअर सरफेस पे सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप लोग ध्यान रखना है कि जो लोअर सरफेस रहता है उस पर सबसे ज़्यादा स्टोमेटा पाए जाएंगे, और इसी के तारे क्या मिलते हैं, ट्रांसपिरेशन भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते मिलते हैं कि जो स्टोमेटा रहेगा, स्टोमेटा कितने टाइप से को मिलते हैं, कैसे फोर टाइप से होता है। सबसे पहले फर्स्ट नंबर हम बात करते मिलते हैं कि स्टोमेटा क्लोजिंग वाले, ध्यान रखना कि जो फोर टाइप्स रहते हैं, एक स्टोमेटा क्लोजिंग वाले रहेंगे, ठीक है, एक रिफ्लेक्टिंग वाले रहते हैं, एक फिल्म बनाने वाले रहते हैं, और एक क्या रहते मिलते हैं, रिटार्डिंग वाले होते हैं, ग्रोथ रिटेंडर्स वाले, ठीक है। तो जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा क्लोजिंग वाले, ये क्या करेंगे कि जो आपके हमने जो स्टोमेटा दिख रहे पर्टिकुलर, इस स्टोमेटा को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे पूरी तरीके से, ठीक है। ए ओनली वन सिर्फ स्टोमेटा के लिए पर्टिकुलर यूज करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना कि स्टोमेटा के हम बात करेंगे तो क्या बोल रहा है कि दे रिड्यूस वाटर लॉस थ्रू द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है। तो जो वाटर हो जाएगा वो रिड्यूस होगा मिलते कैसे, उसका लॉस कम हो जाएगा प्लांट के बॉडी से, क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमेटा जो रहते हैं, स्टोमेटा क्या हो जाएंगे मिलते कैसे, क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टोमेटा क्लोज करने के लिए ध्यान रखना पर्टिकुलर क्या क्या उपयोग किया जाता है। सबसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर पर दिया है PMA दिया है, ABA दिया है, एट्राइजिन दिया है और CO2 दिया है, ठीक है। इधर हम PMA की बात करेंगे, PMA क्या है, जैसे सभी लोग जानते भी हो कि PMA की हम बात करेंगे, PMA क्या है, फिनाइल मर्क्यूरी एसिटेट, जो क्या मिलता है कैसे, एक फंगीसाइड है। ABA की हम बात करेंगे, ABA क्या होगा मिलता है कैसे, एब्सेसिक एसिड। ABA क्या होगा मिलता है कैसे, एब्सेसिक एसिड होता है, जो क्या मिलता है कैसे, एक ग्रोथ हार्मोन है। एट्राइजिन क्या है, जो एट्राइजिन रहेगा पर्टिकुलर, ये क्या है, हर्बिसाइड है, ठीक है, जो किसके अंतर्गत आता है, सिलेक्टिव हर्बिसाइड के अंतर्गत आता है। CO2 की हम बात करेंगे, CO2 क्या मिलता है कैसे, एक गैस है, जो किसमें यूज़ किया जाएगा मिलता है कैसे, जो ग्लोबल वार्मिंग रहता है मिलता है कैसे, या जो ग्रीन हाउस गैसें रहती है, तो ग्रीन हाउस गैसें में भी कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत महत्व रहता है, ठीक है। तो अब ध्यान रखना कि ये जो मैंने आपको चार चीज़ें बताई, ये चार चीज़ें सिर्फ क्या करेगी, जो स्टोमेटा रहती है तो स्टोमेटा को सिर्फ क्लोज करने का काम करेंगे, ठीक है। अब इसको मेमोराइज किससे करोगे, देखो मेमोराइज की हम बात करेंगे, सबसे पहले होता है आप लोगों ने लिखा PMA, क्या लिखा, PMA। ए से हम बात करेंगे, इसे क्या हो जाएगा, ABA, ठीक है। इस लास्ट वाले ए से क्या हो जाएगा मिलते कैसे, एट्राजिन, और फिर क्या हो जाएगा मिलते कैसे, CO2 हो जाएगा, ठीक है। चार प्रकार से देखा हम लोगों ने, सबसे पहले देखा PMA,
ठीक है। उसके लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा, ए फोर क्या हो गया, एट्राजिन हो गया। एक ए सी क्या निकल आएगा मिलते के से, ए बी निकल आएगा, और एक ए सी क्या निकल आएगा मिलते के से, मैंने सी ओ टू भी निकल आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, पी एम ए हो गया, ए बी ए हो गया, एट्राजिन हो गया और सी ओ टू हो गया। पर्टिकुलर इनका जो यूज़ करेंगे सिर्फ स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए ही की जाएंगे। सेकंड नंबर पर मूव करते हैं हम लोग, सेकंड नंबर पर दिया है फिल्म वाले। ध्यान रखना है कि जो फिल्म वाले क्या होते हैं, तो ये क्या करते हैं कि जो लीफ रहता है, तो लीफ की सरफेस पर क्या रहता है, एक पतली थिन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, जो क्या करता है जैसे कि जो फिजिकल बैरियर से रहेंगे तो फिजिकल बैरियर के रूप में काम करेगा, ठीक है। या देखो क्या बोल रहा है कि चेक ट्रांसपिरेशन लॉस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ थिन फिल्म विच एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो किस प्रकार से काम करेंगे मिलते कैसे, चेक ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन को चेक करेंगे, लॉस ड्यू टू डू वाटर फॉर्मेशन, वहाँ पे क्या मिलते कैसे कि जो वाटर रहेगा तो वाटर के भी फॉर्मेशन क्या करेंगे पूरी तरीके से वहाँ पे रोक देंगे कि जिस स्टोमेटा के माध्यम से, ठीक है। तो जो लीफ की सरफेस रहती है, तो लीफ की सरफेस क्या होगा मिलते कैसे, एक पतली लेयर चढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा मिलते कैसे, क्या बोल रहा है कि थिन फिल्म, बोल भी रहा है मिलते कैसे, थीन फिल्म मतलब पतली लेयर विच एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर्स, जो कैसे काम करेंगे मिलते कैसे, एक फिजिकल बैरियर के रूप में काम करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना मिलते कैसे कि जो फिल्म वाले होते हैं, तो फिल्म वाले क्या होते हैं, अलग ही होते हैं, ठीक है। रिजल्ट की हम बात करेंगे, जो फिल्म वाले की हम बात करें, तो रिजल्ट क्या होगा, इन रिडक्शन ऑफ ट्रांसपिरेशन रेट एंड फोटोसिंथेसिस रेट। ध्यान रखना कि जब हम फिल्म वाले का उपयोग करेंगे तो वहाँ पे जो ट्रांसपिरेशन रेट होगी, ट्रांसपिरेशन रेट भी क्या हो जाएगी, कम जाएगी, और उसके साथ साथ क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस रेट होती है वो भी क्या हो जाती है, मुख्य रूप से कम हो जाती है, ठीक है। ध्यान रखना ये कुछ समय तक इनका असर रहता है, फिर ऑटोमेटिक क्या होता है मिलते कैसे, मतलब इनका रिड्यूस भी हो जाते हैं, ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ समय के लिए पर्टिकुलर इसको उपयोग किया जाएगा। अब ध्यान रखना, इधर पूछा जाता है कि स्टोमेटा क्लोजिंग के लिए कौन से रहते हैं, फिल्म बनने वाले कौन से रहते हैं। तो ध्यान रखना है, फिल्म वाले की हम बात करेंगे तो उसमें क्या हो गया, मोबिलिफ हो गया, ओलिविक्स हो गया, हेक्साडोक्लोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, एसिन हो गया, एसिन मतलब क्या होगा, आर्सेनिक सक्सेनिक एसिड, ठीक है। एक होगा मिलते कैसे, इथाइल एल्कोहल हो गया, एक क्या हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और एक होगा मिलते कैसे, पॉली इथाइलिन हो गया, ठीक है। इन सभी का जो उपयोग होता है पर्टिकुलर क्या होगा मिलते कैसे, फिल्म बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, मतलब फिल्म मतलब क्या होगा, एक पतली फिल्म के लेयर एक बनाते हैं, जिससे क्या होगा मिलते कैसे, फिजिकल बैरियर के रूप में वर्क करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग भूजा पलटे करो तो इसका ट्रिक है, जैसे आप लोग फिल्में देखने गए तो फिल्में किसके साथ देखने के मिलते कैसे, अपने मौसाजी के साथ देखने गए, है ना, जो बता रहा हूँ मौसाजी ऐसा लिखना ताकि आप लोगों को याद रहेगा। यदि हम बात करेंगे एम से, हम बात करेंगे एम से क्या होगा मिलते कैसे, मोबिलिप। ऑयल से हम बात करेंगे, ऑयल से क्या होगा मिलते कैसे, ऑयलवेक्स। एस से हम बात करेंगे, हेक्साडोक्लोन। एस से बात करेंगे, सिलिकॉन। और ए से हम बात करेंगे, क्या होगा मिलते कैसे, ए एसिन, आर्सेनिक सक्सेनिक एसिड। बाकी दो नए जोड़े इस बार मैंने, एक इथाइलिन एल्कोहल हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गया, और क्या होगा मिलते कैसे, पॉली इथाइलिन हो गया। पर्टिकुलर इनका जो यूज़ किया जाएगा किसमें होता है, मुख्य रूप से फिल्म बनाने वाले में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिंग की, हम बात करेंगे। ध्यान रखना है, जो रिफ्लेक्टिंग होते हैं ये क्या रहता है, जैसे ही सन का रेडिएशन होता है तो सन के रेडिएशन को क्या कर देगा मिलते कैसे, रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे, रिफ्लेक्टिंग टाइप के बोलेंगे। तो क्या बोले, डेफिनेशन हम देखेंगे, क्या बोला है, दिस केमिकल रिफ्लेक्ट द रेडिएशन एंड रिड्यूस लीव टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या करता है, द केमिकल रिफ्लेक्टेड, केमिकल क्या करेगा, जो सन का रेडिएशन होगा उसको रिफ्लेक्टेड कर देगा, और उसके साथ क्या मिलता है कि जो लीव का जो टेम्परेचर रहेगा उसको भी क्या कर देगा मिलता है कि रिड्यूस कर देगा, ठीक है। एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, किसका उपयोग करना चाहिए पर्टिकुलर, तो यहाँ पे किसका उपयोग करना चाहिए मिलता है कि केओलिन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखना, जो केओलिन की हम बात करेंगे तो केओलिन का उपयोग कितना करेगा मिलता है कि 5% रिड्यूस ट्रांसपिरेशन लॉस, ठीक है। जो 5% जो होगा मिलता है जो ट्रांसपिरेशन लॉस को क्या देगा, वहां पे कम कर देगा, ठीक है। इसमें होगा मिलते कैसे, रिफ्लेक्टिव में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते मिलते कैसे, ग्रोथ रिटेंडर्स। ध्यान रखना, ग्रोथ रिटेंडर्स की हम बात करेंगे, तो ग्रोथ रिटेंडर्स क्या होते हैं, दिस केमिकल रिड्यूस द सूट ग्रोथ। ये क्या करेंगे मिलते कैसे, कि जो सूट की ग्रोथ होती है उसको हम क्या कर देंगे मिलते कैसे, कम कर देता है, इंक्रीजिंग ऑफ रूट ग्रोथ एंड थस एनेबल टू द प्लांट टू रेसिस्टेंट ऑफ ड्रॉट, ठीक है। तो ध्यान रखना, ग्रोथ रिटेंडर्स वो होते हैं जो क्या रहते हैं, जो सूट रहता है, मतलब क्या रहता है, जो प्लांट रहता है, तो प्लांट का जो एबो वाला पार्ट रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, सूट बोलेंगे। तो जो सूट की ग्रोथ को क्या कर देगा मिलते कैसे, कम कर देगा, और रूट की ग्रोथ को क्या कर देगा, इंक्रीजिंग कर देगा। अब सूट की ग्रोथ तो कम हो गई, लेकिन रूट की ग्रोथ से क्या होगा, तो आप लोगों को देखते, सभी लोग जानते हो कि जैसे क्या होता है, जो रूट की ग्रोथ होती है, तो रूट की ग्रोथ क्या होती है मिलते कैसे, ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो जब सॉइल में क्या होगी, जो रूट केप के माध्यम से जब वो डिगिंग होगा तो क्या होगा मिलते कैसे, वहां से जो प्लांट न्यूट्रिएंट और वाटर को भी क्या कर लेगा मिलते कैसे, अपटेक कर लेगा। तो किसमें आते मिलते कैसे, ग्रोथ रिटेंडर्स। ध्यान रखना, पूछा जाएगा कि ग्रोथ रिटेंडर्स में किसका उपयोग किया जाएगा,
तो ध्यान रखना कि ग्रोथ रिटेंडर्स में जो उपयोग किया जाएगा वो किसका उपयोग किया जाता है, ट्रिपल सी का उपयोग किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं मिलते हैं किससे, साइकोसेल ट्रिपल सी, जो क्या मिलता है किससे, एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़े, एंटी ट्रांसपिरेशन पढ़ा, चार टाइप से पढ़े। सबसे पहले हम लोगों ने देखा स्टोमेटा क्लोजिंग वाले, फिर फिल्म वाले देखे, फिर क्या देखे रिफ्लेक्टिंग वाले देखा, और फिर क्या देखा मिलते किससे, ग्रोथ रिटेंडर्स देखे। ठीक है, स्टोमेटा की हम बात करेंगे, पूरी तरीके से स्टोमेटा क्लोज कर देंगे। ठीक है, सेकंड नंबर हमने रिफ्लेक्टिंग देखा, रिफ्लेक्टिंग क्या कर देगा, सन के रेडिएशन को रिफ्लेक्टिंग कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको देखा फिल्म वाले की हम बात करेंगे, तो पतली थीन लेयर का फॉर्मेशन करेंगे, जो किससे होता है मिलते किससे, एक फिजिकल बेरियर का फॉर्मेशन करेंगे। और जो ग्रोथ रिटेंडर्स होते हैं, ग्रोथ रिटेंडर्स क्या होते हैं, सूट की ग्रोथ को कम कर देंगे और रूट की ग्रोथ को इंक्रीजिंग करेंगे, दैट इज कॉल्ड बाय ग्रोथ रिटेंडर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना है, सबसे पहले स्टोमेटा की हम बात करेंगे, तो वहाँ पे पी एम ए एबीए एट्राजिन सी ओ टू यूज हुआ। ठीक है, हम फिल्म की हम बात करेंगे, फिल्म में किसके साथ देखने गए थे, मोसाजी के साथ देखने गए थे, एक मोबिलिप हो गया, ऑयल ऑक्स हो गया, हेक्साडेक्लान हो गया, सिलिकॉन हो गया, और एएसएन हो गया, आर्सेनिक सस्टेनिक एसिड, और पॉलीइथाइलिन क्लोराइड हो गया, इथाइलिन क्लोराइड हो गया। ठीक है, ये भी मैंने बताए थे। नेक्स्ट हम बात करते मिलते कैसे रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग में सिर्फ मैंने आपको एक ही बताया, जिसका नाम क्या मिलता है कैसे, केवलिन, और एक होता मिलता है कैसे ग्रोथ रिटेंडर्स। ध्यान रखना, ग्रोथ जो रिटेंडर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सूट की जो ग्रोथ होती है उसको कम कर देंगे और रूट की ग्रोथ को बढ़ाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे, ग्रोथ रिटेंडर्स। जहाँ पे उपयोग किया जाता है मिलते कैसे, साइकोसेल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मेरे को बताना डायरेक्ट में, आप लोगों से क्वेश्चन बना के नहीं लाया, लेकिन आपसे ऐसे पूछूंगा, आप लोग बताओ वो कौन सा फंगीसाइड है कि जो स्टोमेटा क्लोजिंग में यूज़ करेंगे। वेरी गुड, कौन से यूज़ करेंगे मिलते हैं कैसे, पी एम ए फिनाइल मर्क्यूरी एसीटेट, एक ऐसा फंगीसाइड है जिसका उपयोग किस में किया जाता है मिलते कैसे, स्टोमेटा क्लोजिंग में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये एंटी ट्रांसपिरेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मूव करते हैं, आगे चलते हैं, आगे को मिलते कैसे, देखो एक दिया मिलते कैसे डिवीजन ऑफ द एटमोसफेयर का डिवीजन दिया है, जो कितने टाइप से होगा मिलते कैसे, दो टाइप से होता है, या फिर दो लेयर होती है, एक होमोस्फेयर होगा और एक क्या होगा मिलते कैसे, हेटेरोस्फेयर। ठीक है, एकदम होमोस्फेयर की हम बात करेंगे, तो होमोस्फेयर भी कितने टाइप से होगा, अगेन इसके फोर टाइप दिए हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्टेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और क्या रहेगा मिलते कैसे, थर्मोस्फेयर। अब देखो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, जैसे आपको इमेज बता रहा है, सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा है ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्टेप्टो हो गया, मेसो हो गया, थर्मो हो गया, और क्या होगा मिलते कैसे, एक्सोस्फेयर। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले जो नीचे लेयर पाई जाती है, अर्थ से जो अर्थ से जुड़ी रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं मिलते कैसे, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद कौन सी पाई जाएगी, स्ट्रेप्टोस्फीयर, फिर मेसो और थर्मोस्फीयर, और उसके बाद आपको दिख भी रहा है वहां पे एक्सोस्फीयर भी बोल रहा है। तो ध्यान रखना है कि जो कुछ साइंटिस्ट इसको जो मानते मिलते कैसे, या तो कुछ ऑथर इसको क्या मानते हैं कि जो थर्मोस्फीयर होता है, तो थर्मोस्फीयर किसके अंतर्गत आता है, एक्सोस्फीयर के अंतर्गत ही आता है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते मिलते कैसे ट्रोपोस्फीयर की हम बात करेंगे, तो ध्यान रखना है जो ट्रोपोस्फीयर की हम बात करेंगे, ट्रोपोस्फीयर क्या को मिलते कैसे, ये क्या है मिलते कैसे, पृथ्वी से सबसे नियरेस्ट है। तो क्या बोल रहा है कि दिस एटमोस्फेरिक लेयर इज द नियरेस्ट टू द अर्थ, या अर्थ से क्या रहती है, बहुत पास वाली है, सरफेस एक्सटेंडेड अप अराउंड द 16 से 17 किलोमीटर। ठीक है, इसका जो एक्सटेंडिंग रहता है ये कितना रहेगा, मुख्य रूप से 16 से 17 किलोमीटर के आसपास इसका एक्सटेंडिंग फैला रहता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि यदि पूछेगा कि जो अर्थ से जो नियरेस्ट वाली लेयर है वो कौन सी है, तो कौन सी मिलते कैसे, ट्रोपोस्फीयर। एक ट्रोपोस्फीयर होता है, स्टेप्टोस्फीयर होता है, मेसोस्फीयर होता है, एक्सोस्फीयर होता है। ठीक है, अब जिसको हिंदी में बोलते हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, और क्या रहेगा मिलते कैसे, बहिर्मंडल। तो ट्रोपोस्फीयर की हम बात करें, क्या बोला है, दिस एटमोस्फेरिक लेयर इज द नियरेस्ट द अर्थ सरफेस एक्सटेंडिंग द अराउंड द 16 से 70 किलोमीटर, जो क्या रहेगा मिलते कैसे, 16 से 70 किलोमीटर तक लेयर फैली रहती है। क्या बोला है, दिस लेयर कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल वाटर एंड डस्ट एंड रिप्रेजेंट बेल्ट टू ऑल एटमोस्फेरिक फेनोमेन। सभी ध्यान रखना कि सभी जो एटमोस्फेरिक जो फेनोमेन रहेगा इसी लेयर में होती है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, फेनोमेन क्लाउड्स हो गया, रेन हो गया, स्नो हो गया, फोग हो गया, और क्या हो गया, लाइटिंग हो गया, टंडर हो गया, स्ट्रॉम्स, एंड क्या होगा मिलता है कैसे, साइक्लोन और एक्स्ट्रा वगैरह। ठीक है, तो ध्यान रखना मिलते कैसे, यदि हम बात करेंगे रेन हो गया, फोग हो गया, स्मोक हो गया, है ना, उसके साथ लाइटिंग हो गया, फिर है ना ये जो क्लाउड्स वगैरह जो मेकिंग रहते हैं, जैसे जो बारिश होती है पर्टिकुलर, है ना, स्नो वगैरह होती है, रेनिंग वगैरह होती है, तो ये कौन सी लेयर से होती है, तो कौन सी लेयर से होते हैं मिलता है कैसे, स्ट्रेप्टोस्फीयर से होता है। ध्यान रखना, दैट इज़ अ वेरी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामियम। ठीक है, आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं मिलते हैं किससे,
नेक्स्ट क्या बोला है, नो विजिबल वेदर ऑफ द फेनोमन अकर अबोव द लेयर। ठीक है, तो ध्यान रखना मिलता है कि इसमें जो जो ट्रोपोस्फीयर होगा तो इसमें जो ऊपर की लेयर होती है, हम देख सकते हैं क्या इसके ऊपर कौन सी लेयर पाई जाएगी, स्ट्रेप्टोस्फीयर पाया जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोस्फीयर को हम लोग यहाँ से नहीं देख सकेंगे। तो नॉट विजिबल ऑफ द वेदर फेनोमन अकर अबोव द दिस लेयर, तो मतलब इस लेयर से जो ऊपर जो क्या रहता है मिलता है कि एक ट्रोपो हो गया वो स्ट्रेप्टो, इसका जो स्ट्रेप्टोस्फीयर रहेगा इसके ऊपर के लेयर के वहाँ पर क्या घटनाएं हो रही हम लोग वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देख सकेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते मिलते हैं कि सही इन दिस लेयर ऑफ द टेम्परेचर डिक्रीजिंग सिक्स कितना को मिलता है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जब क्या होगा मिलता है कि किलोमीटर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते मिलते हैं कि लैप्स रेट। ध्यान रखना लैप्स रेट पूछा जाएगा कि व्हाट इज दिस लैप्स रेट, लैप्स रेट क्या मिलता है कि जो ट्रोपोस्फीयर रहता है तो ट्रोपोस्फीयर में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान का मिलता है कि पर किलोमीटर के हिसाब से क्या मिलता है कि डिक्रीज हो रहा है स्ट्रेप्टोस्फीयर क्या मिलता है कि ट्रोपोस्फीयर में, तो इसको हम क्या बोलते मिलते हैं कि लैप्स रेट बोलेंगे। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो हमने लेयर पढ़ा वो कौन सा पढ़ा मिलता है कि ट्रोपोस्फीयर पढ़ा। ट्रोपोस्फीयर में ध्यान रखना क्लाउड मेकिंग होता है, ठीक है, रेन होता है, फोग होता है ना, एक टंडर भी होता है। ठीक है, ये जो सारी प्रक्रिया होती है दिस इज ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किस में होगी मुख्य रूप से ट्रोपोस्फीयर में होगी। ठीक है, लेफ्ट साइड की हम बात करेंगे तो क्या होगा कि जो ट्रोपोस्फीयर लेयर रहती है इसमें जो टेम्परेचर होगा 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड से डिक्रीज हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं मुख्य रूप से लेफ्ट साइड बोलेंगे। सेकंड नंबर पे हम पढ़ेंगे मिलते कैसे स्ट्रेप्टोस्फीयर। ध्यान रखना यदि हम स्ट्रेप्टोस्फीयर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे तो यदि मैंने पूछा है कि जो ट्रोपोस्फीयर रहेगा उसकी डिस्टेंस कितने रहेगा अर्थ सरफेस से, तो उसका कितना रहेगा मिलता है कैसे 16 से 17 किलोमीटर रहेगा। अब ये लेयर आगे बढ़ेगी मतलब क्या होगा मिलता है कैसे लगभग 20 से कितना होगा मिलता है कैसे 50 किलोमीटर के अराउंड रहेगा। ठीक है, तो 20 से जो 50 किलोमीटर तक जो लेयर फैली रहेगी वो कौन से रहेगा मिलता है कैसे स्ट्रेप्टोस्फीयर रहता है। इसको ध्यान रखना, देखो क्या बोला मिलता है कैसे कि द स्ट्रेप्टोस्फीयर इज अबाउट 50 किलोमीटर थिक, ये क्या रहते मिलते कैसे 50 किलोमीटर तक क्या रहती है थिक रहती है, मतलब क्या रहते मिलते कैसे मोटी रहती है इक्वेटर एंड अबाउट द 60 किलोमीटर एट द पोल्स, जो इक्वेटर वगैरह रहते हैं जो भूमध्य रेखा रहती है पर्टिकुलर और जो वहाँ पे जो जो पोल्स है इसकी जो दूरी रहती है वो कितनी रहती है ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर रहती है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना दैट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज अ वेरी एक्सट्रीमली क्रूशियल फॉर पॉइंट ऑफ एग्जाम यू। नेक्स्ट हम बात करेंगे द ओजोन लेयर इज द मेनली फाउंड, ध्यान रखना इसमें जो लेयर पाई जाएगी वो कौन सी लेयर पाई जाएगी मिलते कैसे ओजोन लेयर पाई जाती है और जो ओजोन लेयर पाई जाएगी ये किसे पाई जाएगी मिलता है कैसे सेकंड लेयर है जिसका नाम क्या मिलता है कैसे स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाई जाती है। पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर होता है ओजोन लेयर किसमें पाई जाएगी तो किसमें पाई जाती है मिलता है कैसे स्ट्रेप्टोस्फीयर में पाई जाएगी। ठीक है, ओजोन की हम बात करेंगे, ओजोन को हम क्या बोलते हैं O3 भी बोलेंगे। ठीक है, एक O3 डे भी बनाते हैं, ओजोन डे कब बनाते हैं आप लोगों को पता है बताओ, वेरी गुड, कब मनाते मिलते हैं कैसे 16 सितंबर को हम लोग O3 डे भी मनाते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दिस ओजोन लेयर इज अ मेनली फाउंड इन लोअर पोर्शन, ध्यान रखना ये क्या रहता है मिलता है कैसे ट्रोपोस्फीयर, सबसे पहले ट्रोपो बताया स्ट्रेप्टो, तो स्ट्रेप्टो से स्टार्टिंग से लगा के कितना रहेगा मिलता है कैसे 20 से 30 किलोमीटर तक ये जो लेयर पाई जाती है। ठीक है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ये ट्रोपो हो गया स्ट्रेप्टो हो गया, तो स्ट्रेप्टो जहाँ से स्टार्टिंग होगा मिलता है कैसे 20 से लगा के जो ऊपर रहता है कितना रहेगा मिलता है कैसे 30 किलोमीटर तक, तो वहाँ तक ये लेयर क्या रहती है प्रेजेंट रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आगे हम करेंगे मिलते कैसे ये क्या होगा मिलते कैसे ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने द वन सेकंड लिसन द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेप्टोस्फीयर, तो स्ट्रेप्टोस्फीयर के एकदम जो निचली सतह रहती है वहाँ पे लेयर पाई जाती है। क्या बोल रहा है फ्रॉम